दोस्तों सामान रख के अगर मम्मी अभी तो यही बैठी हुई, मतलब मम्मी को है ना कुछ कुछ लाना पड़ेगा क्रेन पे निकालने के लिए बाहर। लिटरली मुझे लड़ना पड़ा था मम्मी से कि मम्मी ये फालतू चीज है, ये नहीं लेना ये नहीं लेना, मतलब मम्मी ने दिमाग खराब कर दिया मेरा वहाँ पे। कादी की तबीयत बहुत खराब है। ये सामान लेके आए हैं, काजू के लिए गन भी लेके आए हैं, मम्मी बिना मतलब ये ब्रश लेके आई है, क्यों पता नहीं। और जैसे मैं ब्रश के सामने रहती हूं मम्मी को देखो गुस्सा आया किया मैंने, मेरे छोरी को सेंट मिल रहे गए वहां पर। अब खुद से बोलते हैं चाय बनाने के लिए, पता नहीं बनाते तो बना दे भाई, भरोसा भी तो नहीं है खुशबू का। कुछ खुशबू चाय बना देगी क्या भाई? नहीं। क्या बोला तूने? क्या बोला? दोस्तों अभी 3:11 हो रहे हैं और काफी तबीयत ज्यादा खराब हुई है, इसको डॉक्टर के लेके जा रहे हैं अभी, तो चलो चलते हैं। काजू को इतनी जुकाम हो रखी है फिर भी मीठा खाने से बाज नहीं आ रहा है ये लड़का। तो चलो बैठो, ये चप्पल बदल के आओ। अरे देखो मेरा दिमाग क्या पहना है मैंने, चलो स्लीपर बदल लिया अब चलते हैं। चलो कैसे खा रहा है, नई चीज दिखी ना इसको। चलो और मैं गाजर का हलवाई बना रही थी, मुझे दूध भी चाहिए, तो कुछ दूध का भी याद दिला देना मुझे। दोस्तों आज मैंने चॉपिंग की थी तो मेरे इतने खतरनाक तरीके से कट लगी उंगली, तो मुझे खुद को पता नहीं था, खुशबू ने बताया अभी। हमारी किस्मत इतनी खराब है कि हम डॉक्टर के यहाँ आए तो डॉक्टर का ये क्लिनिक ही बंद है, तो कैसे सहमा हुआ है। तो चलो कहीं और चलते हैं, कहीं और से लेते हैं कुछ कुछ, क्योंकि काजू की रात में तब इतनी खराब हो जाती है मैं सो नहीं पाती। टेबलेट लेते हैं उसके बाद घर चलते हैं। तो ले लिया है दोस्तों, यहाँ आए तो सुपरमार्केट भी दिख गया है, तो हमको मूंगफली दाने लेने थे और क्या लेना है, साबुदाना। साबुदाना तो भी ले लेते हैं साथ ही, यहाँ वो मिल्क क्रीम भी मिलती है लेकिन फ्रेश है। क्रीम का तो फिर वो फ्रेश नहीं होगी तो बेकार लगेगी। चलो साबुदाना ढूंढते हैं। साबुदाना नहीं दिख रहा था, कहा साबुदाना, साबुदाना तो ले लिए चलते हैं। और मंच काजू कहाँ भाग रहा है भाई, काजू कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, बताओ कहाँ भाग रहा है, बोलो। ए मम्मा पकड़ो बेटा, शैतान हो चुका है। चलो जल्दी, काजू इतना गंदा बच्चा है, इतना गंदा बच्चा। ये पिलर तो बड़ा जोरदार लग रहा है। खुशबू चलो होगा टाइम पास, चलते हैं। चलो चलते हैं अब, काजू को इतनी खांसी चल रही है, ज्यादा दवाई देनी पड़ेगी। घर जाके बनाऊंगी मैं गाजर का हलवा और एक रेसिपी वीडियो। तो यहाँ मैं काजू की दवाई दे रही हूँ। काजू काजू छोड़ बेटा, मीठा छोड़, आ कर। आहा काजू अच्छी लगी क्या? अब मैं बनाने लगी हूँ गाजर का हलवा, तो चलो जल्दी से बनाते हैं। मैंने गाजर धो के छील के काट दिए, अब इसमें डालूंगी दूध जो मिलाए थे अभी, मेरा ये दूध डाल के इसमें सीटी लगानी है, एक नहीं कम से कम 4 सीटी तो लगानी है इसमें, लगाएंगे 4 सीटी ऑलमोस्ट। इधर खुशबू ने बनाई है खिचड़ी क्योंकि आज मम्मी का व्रत है। गाजर का हलवा अभी पका नहीं है, थोड़ी देर में पक जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट डे हो गया है और काजू सुबह सुबह इसकी हरकत देखो, इसको पूरी तरीके से दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था। देखो ये बच्चा तो, इसकी शैतानी खत्म ही नहीं होती, कहीं पर भी बोल जाए क्या करूं, इसको धोना पड़ेगा। यहाँ पे मम्मी डेली चारा लेती है गाय को खिलाने के लिए, तो काजू आज खिला रहा है। काजू हाथ लगा लो गग्गा, अले वाह गग्गा,
कौन है ये? गग्गा है क्या? हाँ काजू है, हाथ लगा रहा है जो जे जे काजू जे जे ओए ओए पर नानू और नानी काजू को मन जा रहा है। काजू आगे बैठा हुआ दिख नहीं रहा है, स्कूटी के आगे बैठा हुआ है। काजू क्या कर रहा है बेटू? तू तेरे बाल पीछे कर ले, उतर नीचे, इसको उतार तू नीचे। क्यों नीचे उतार भैया? इसको उतार नीचे। वाह भैया बदल ले, इसको नीचे उतार ले। वाह दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।